हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, लेक्चर नंबर जो 1 था 5.7 के बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए थे। आई होप सो आप सभी ने कर लिए होंगे बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं किए वो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाके कर लीजिएगा। वो वीडियो आप लेक्चर देख लीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा ध्यान से, पहले डीवाई बाई डीएक्स फाइंड कर लो बच्चों। यहाँ से तो पहले 500 हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लो बच्चों। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल 49 वाई। सिंपल है, पहले 500 बच्चों कॉन्स्टेंट है, एज इट इज पढ़ा रहे तो e की 7x का, e की 7x, फिर चैन रूल कहता है 7x का भी करो, तो 7x का हो जाएगा बच्चों 7। वो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस 600 एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में हो ना तो एज इट इज लिखते हैं। e की माइनस 7x का e की माइनस 7x, और माइनस 7x का माइनस के 7, वो मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर से करो बच्चों डबल डेरिवेटिव इसका। 500 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज पढ़ा रहा है। 500 इंटू 7, e की 7x का e की 7x, 7x का बच्चों फिर से 7 आ गया, तो ये 600 एज इट इज। e की माइनस 7x का e की माइनस 7x, और ये बच्चों माइनस 7 पहले से था ही, एक और माइनस 7 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात को पकड़ करो तो ये 49 है, ये भी बच्चों माइनस माइनस 7 इंटू माइनस 7, 49 बन गया, 49 कॉमन आ गया। बाकी रह गया 500 e की 7x और 600 e की माइनस 7x, और वो आपको अब पता चल ही रहा है क्या बन गया। ये देखो आपका वाई ही बन गया। क्या बन गया बच्चों? वाई ही बन चुका है हमारा, फिर से क्या बन चुका है बच्चों? वाई ही बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल 49 वाई, यही प्रूफ करना था। ये देखो बच्चों 49 वाई, सिंपल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन नंबर 16 पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, और काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। आपको गिवन है e की y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1 है। प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकालोगे उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल। अच्छा क्वेश्चन है मुझे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले e की y इक्वल लिख लो 1/x+1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा। अब बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करवा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की वाई का क्या होगा बच्चों? ई की वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये 1/x है, मैंने आपको पहले बताया था। जब ऊपर वेरिएबल ना हो तो 1/x की तरह बिहेव करता है। 1/x का होता है -1/ जो भी एक्स है उसका स्क्वायर करो, फिर चेन रूल लगाओ। एक्स प्लस 1 का करेंगे तो बच्चों को 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो बच्चों ए की वाई है इसको यही पढ़ा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स को यही पढ़ा रहे, डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखो, ई की वाई को उधर डिवाइड में ले जाओ। डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही पढ़ा रहने दो, ये -1/ ई की वाई को अपॉन में ले आओ। अब ई की वाई की बच्चों वैल्यू पुट कीजिएगा, ई की वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये जो हमने निकाली है ना इक्वेशन 1, ये दे दे 1/(x+1)। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी है। -1/ ई की वाई की वैल्यू पुट करती 1/(x+1), और ये x+1 का होल स्क्वायर, x+1 से x+1 कट गया, ये बच गया -1/(x+1)। अगली बात समझ? हाँ जी सर, आगे। अब बच्चों फिर से डबल डेरिवेटिव करो इसका, और जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो बस। आपको एक वही चीज दिखेगी जो प्रूफ करना है। ये माइनस एज इट इज 1/x का क्या होता है बच्चों? -1 जो भी एक्स है उसका स्क्वायर कर दो, x+1 का करेंगे वो 1 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है 1 मल्टीप्लाई में। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये बन गया 1/(x+1) का होल स्क्वायर। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपका है। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करवा, इसको देखिए ध्यान से, ये जो है बच्चों ये क्या, ये इसका स्क्वायर है, ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ही है ना। इस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा? माइनस का स्क्वायर तो +1 बन जाएगा, और x+1 का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो आपने ये जो निकाला है
ये बच्चों क्या आया है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लीजिए ये बच्चों प्रूफ हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये इस एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसी के साथ ही एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट बचे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल टू। तो आइए कर देते हैं बच्चों, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालना पहले, ये आएगा पावर आगे आ जाएगी टू टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का कर दो बच्चों वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि चेन रूल है ना, आगे से आगे करना पड़ेगा। अब बच्चों इसके अंदर क्या करो, आप इन बातों को याद रखना कि मैं ये डिवाइड वाले इधर लेके जाता हूँ ना, इनको आप इधर लेके चले जाना। आप बीच में कोई अपने एक्सपेरिमेंट करोगे तो बच्चों आप फंस जाओगे, और कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, फिर उसकी मर्जी है, चाहे तो कर लो एक्सपेरिमेंट, पहुंचना वहीं पे है बस। कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन है, आपकी खुद की जिम्मेदारी, जैसे मेरी कैलकुलेशन मेरी खुद की जिम्मेदारी है, ऐसे आपकी कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। एक डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरा कर दो बस डिफरेंशिएशन, वन प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे टू एक्स, इसमें यू इंटू वी लगेगा, यू इंटू वी टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा जो डी टू वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी लग गया इधर वाई टू एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर ये डिवाइड वाला फिर से इधर ले जाओ, ये बनाएगा टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू एज इट इज इक्वल में आ जाएगा टू। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो बस, ये जो डबल डेरिवेटिव वाला इसे पहले लिखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर ये लिख लो टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आ गया टू। अब इसको आप कैसा लिखना चाहोगे वैसा लिख लो, ये टू नीचे खिसक गया, इसको सही करना पड़ेगा, इक्वल में एड टू। अब बच्चों इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ा रहे थे तो इसको वाई टू लिख दो, क्योंकि जैसा मैं प्रूव कर रहा हूँ उसमें वाई वन वाई टू लिखा हुआ, और जैसे ही बच्चों मैं इनको वाई वन वाई टू लिखूंगा ये प्रूफ हो जाएगा। लीजिए तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ भागा दौड़ी वाली बात नहीं। पावर का करो पहले, पावर आगे ले आओ, टू टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर अपॉन वाले को उधर ले जाएगा, ऐसे काफी आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, उन्होंने डायरेक्ट किया होंगे आप उधर ले जाएगा, ठीक है क्या, उससे सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। फिर इधर यू इंटू वी जरूर लगाया, यू इंटू वी देख लिया करो फंक्शन को थोड़ा, फिर लगाया करो, फिर इसको उधर ले जाएगा, ठीक है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है, इजीली प्रूफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर बच्चों कंप्लीट होता है, आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। और बच्चों मैंने 5.7 तक सारी करवा दी है, सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैं लिंक भी दे दूंगा। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू। Thank you.